बैठ गए। अब जैसे ही रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाओ, अब बंसी को पकड़े कन्हैया ने, हाथ पकड़ो झटका मारो, रुक्मिणी दल नहीं थमे और चल दिए। अब रुक्मिणी की सहेली घर पे पहुंची और जाए के मैया से कही, मैया अरे सुनिए मैया बात हमारी, जब हुई गौ और 101 रुपया श्रीमान सुशील बाबूजी की तरफ से इसी गांव इमामपुर के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। मैया एक करुआ करुआ आया था, जिजी को लेकर के चला गया, एक बोली ले आओ साई ले आओ साई ले। हम तो जस सोच सोच के मरे जाता, जरे कब की सलाह आती, उनने वो हाथ पाए ना हलाए वैसी धरी चली ले साई ले। तब तक रुकम आ गया रुक्मिणी का बड़ा भाई, लड़की रुक्मिणी कहाँ है? बोले बोले भैया 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 क्या हुआ? रुक्मिणी कहाँ है? भैया एक काला काला आया था, जी को लेकर के चला गया। वो लड़की फिर बोली ले गाओ साई ले गाओ साई ले। अब तो जाए सोच सोच के मरे जाता है, मेरे कब की सलाह आती, उनने ने गऊ हाथ मार ना हलाए वैसी धरी चली गई साई ले। रकम समझ गया, रकम समझ गया, ये कन्हैया का काम है। ये बात किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लेकर के नहीं आया तो इस कुंडनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। घर से चला और शिशुपाल से कहा, क्यों साले शिशुपाल यहाँ खीर खाने आयो? हीरा को तो कौआ उड़ा करके ले गया, यहाँ खीर खाओगे? उसी समय सभी वीर भागे और आवाज लगाई उस शिशुपाल ने, श्याम सुंदर खड़े हो गए।
सुंदर खड़े हो जाओ, माखन को चुराते रहे। ये लड़कियों का धंधा कब से शुरू कर दिया? ये लड़कियों का धंधा कब से शुरू किया? खड़े हो जाओ। रुक्मिणी जो थी कहने लगी, श्याम सुंदर रुको नहीं, क्यों सुंदर कहने लगे, पागल हो गई रुक्मिणी। अरे एक शिशुपाल, अरे 10 शिशुपाल आ जा, फिर भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। तब तक बलराम ने आवाज लगाई, श्याम सुंदर अरे चिंता मत करना, हम आ गए हैं। गुप्तचरों ने बता दिया था जब ब्राह्मण से बात कर रहे, देख रैया कि ये कुंडलपुर के लिए गए हैं। आज सेना को लेकर के बलराम चले और शिशुपाल रुको कन्हैया बलराम में युद्ध होने लगा। हल धर में हल मूसल लेकर और मूसला धारसी बरसाई, जिस ओर झुके दोनों भाई काई। और 101 रुपया श्रीमान विजेंद्र कुमार जी की तरफ से भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। और 100 रुपया सदाराम जी की तरफ से भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान बढ़ता रहे। सारी सेना को खदेड़ दिया, अंत में रुकम को बंदी बना लिया। जैसे ही तलवार मारनी चाहिए, रुक्मिणी पल्लू फैला करके भाई पति के सामने यानी कन्हैया के सामने पहुंच गई। कहने लगी, श्याम सुंदर मेरे भैया को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये आखिर मेरा भाई है। अगर तुमने मेरे भैया को मार दिया, जब भी हम अपने मायके जाएंगे, मेरी सखिया कहेंगे ऐसो अमड़ करो भैया घायल, इसलिए यानी भैया को छोड़ दो स्वामी। बलराम कहने लगे, अरे ये छोड़ दे, ये तेरा साला है, छोड़ दे।
कन्हैया कान लगे जा साले ने तो समय पर बड़ाई करी है सारो ना हो तो समझ के ब्याह हो जा तो